आइए आपकी मुलाकात कराते हैं योगाचार्य सिद्धांत जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं। बहुत दिनों बाद कुछ एक ऐसा मौका मिला कि हम लोग साथ बैठ पाएँ, साथ बातें कर पाएँ। कैसा लग रहा है लाइक कोविड से पहले और अब जब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड लगभग चला गया है, तो क्या चेंजेस हैं और क्या आप योगी लोग सोच रहे हैं, योगिक विजन क्या है इसके बाद की दुनिया का? पहले तो दो बात, कोविड से पहले और बाद की बात अगर कहा जाए, कोविड आया है निश्चित रूप से दुख की बात है, हम सब लोगों ने उसको देखा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि लोगों को इस योगा का महत्व ज़्यादा समझ में आया, बहुत सारे लोग योगा की तरफ गए, तो हमारे लिए अच्छी बात है। हम और अच्छी तरह से लोगों को अगर रुचि जगा और गहराई में ले सकते हैं। और कोविड के दौरान निश्चित रूप से बहुत सारे योगा टीचर्स और जो भी प्रोफेशन बनाए हुए हैं योगा को, उनके बहुत अच्छे दौर थे नहीं, पर निश्चित रूप से योगा में थे तो वो सर्वाइव निश्चित कर गए। अब कोविड के बाद हम सब लोग मिलकर फिर योगा को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लग जाएंगे। ओके, जब हम लोग बात करते हैं योगा की, आज वर्ल्ड योगा डे है जी। और हम लोग जो बैठे हैं वो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा कहलाता है हमारा शहर ऋषिकेश जी। इसे कैसे, इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हैं, कैसे देखते हैं कि ऋषिकेश में क्या एक ऐसा इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए अभी जो सही मायनों में रिफ्लेक्ट करे कि हाँ हम कैपिटल सिटी ऑफ योगा हैं और वी आर रेडी टू लॉन्च समथिंग विच इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट पीपल इन अ डिफरेंट वे, इन अ बेटर वे, एंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी लाइक वेरी सिंपल, ईजी टू ऑप्ट एंड मोर इम्पैक्टफुल इन टर्म्स ऑफ लाइक फिजिकल हेल्थ और योगिक वे। जी जी जी, यहाँ पर भी कुछ बातें हमें ध्यान में लेना चाहिए। योगा के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो एनवायरनमेंट। तो ऋषिकेश जो एनवायरनमेंट इसका, गंगा जी हैं, चारों तरफ से हिमालय है, और यहाँ पर ऋषियों ने, योगियों ने सैकड़ों साल से, हजारों साल से साधना की है, तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं हो ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत बेस है, दुनिया में किसी कोने में ऋषिकेश से बेहतर हो ही नहीं सकता योगा रिलेटेड। दूसरी बात है कि प्रेजेंटेशन के लिए जैसे था, निश्चित रूप से क्वालिटी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये कभी कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो काम करता है। यहाँ जो व्यक्ति आएगा वो ऑटोमेटिकली योग और ज्ञान में अपने आप को पाएगा। ओके। बाहर मेहनत करना पड़ेगा, जैसे यहाँ संगत है। एग्जैक्टली। कंपनी जो है वो इंपैक्ट डालती है। जी, तो इसीलिए ऋषिकेश में रह के अगर हम कम भी काम करें तो किसी भी शहर से हम 10 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। ओके। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमें एक और बेहतर सिस्टम बनाना पड़ेगा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम योगा को नॉर्मल स्टेज से बेहतर ले सकें। निश्चित रूप से जहाँ खड़े हैं दूसरों से बेहतर है, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर अननोइंगली है। तो इसलिए हम बेहतर होने के बाद भी और बेहतर करना चाहते हैं, तो इसलिए कभी कभी हम अपने आप को कंपैरेटिवली लेस फील करते हैं। okay. कि जैसे कि बाली आगे निकल गया या और कोई हिस्सा अच्छा प्रोफेशनल दृष्टि से आगे निकल गया, लेकिन जो एक्चुअली योगा का जो स्पिरिचुअल पॉइंट हुई है, क्योंकि योगा अर्थ निश्चित रूप से फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, दिस इज समथिंग बियॉन्डनेस ऋषिकेश ही गाइड करेगा जब भी करेगा। अच्छा, एक जो लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बात यही है कि योगा इज योगा फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, इज योगा फॉर स्पिरिचुअल और जो बाकी एक्सरसाइजेस हैं, बौद्धिक जो विकास है और स्पिरिचुअल का जो डेवलपमेंट है। हाँ जी, इसके बीच का फर्क जो है वो अगर लोग समझ पाए। एक्चुअली योगा निश्चित रूप से एक पाथ है, दिस इज पाथ ऑफ योगा। क्यों ना, हम जहाँ पर हैं वहाँ से कहीं पहुँचाने के लिए मार्ग है। अगर हम शुरुआत जहाँ पर हैं वो तो हम पहुँचे ही हैं, स्टैंड पॉइंट हमारा है, और अगर कहीं पहुँचा था तो कहाँ, नहीं निश्चित रूप से समाधि। समाधि हमारी लास्ट स्टेज है। हम अगर समाधि की तरफ जाएंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं रास्ते में। क्या क्या मिलते हैं? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस, क्लियरिटी, कमिटमेंट,
ग्रेटिट्यूड, ऑल दिस क्वालिटीज कम्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू मूव फ्रॉम हियर टुवर्ड्स समाधि. ये योगा का मार्ग है. परंतु आम लोग दो स्टेप चलने के बाद जो मिला उसी को योगा का डेफिनेशन दे दिया गया. तो इसीलिए फिजिकल जो आसन है, योगासन जिसको कहते हैं, ये योग का पहला चरण है. अब मुझे जहाँ तक लगता है सिद्धांत जी की लाइक हम जैसे लोग जो थोड़ा सा मतलब बहुत इन्वॉल्व नहीं है योगा के साथ और बहुत इन्वॉल्व नहीं है उन चीज़ों के साथ में और कॉर्पोरेट टाइप ऑफ लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें, समाधि इज नॉट आवर डेस्टिनी. मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों की हमारी डेस्टिनी जो बीच में आपने जो बताया कि भाई मेंटल हेल्थ गेन कर लेना, फिजिकल हेल्थ गेन कर लेना, ठीक है, और बाकी हमारे जो मॉनेटरी फैक्टर्स होते हैं कि हम लोग मनी के लिए या और चीज़ों के लिए या जो लाइफ के एसेट्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि मीन्स योगा सिर्फ समाधि के लिए है या इन चीजों के लिए भी हम लोग, या दोनों में फर्क क्या है? जी, उसकी क्लैरिटी थोड़ा सा. इसके लिए मुझे लगता है कि एक जानना जरूरी है. हमें कोई ट्रेन में बैठते हैं, ये ट्रेन यहाँ से अमृतसर जाता है, आप माने ना माने अमृतसर जाएगा वो, आप जब भी चाहना चाहें अमृतसर जा सकते हैं, आप कहीं भी उतर जाए, यहीं आगे 10 किलोमीटर बाद भी उतर जाए. तो योगा तो बना है समाधि के लिए. निश्चित रूप से आप उसको जितना यूज कर सकते करें, परंतु इसको ऑल अबाउट योगा नहीं कहना चाहिए, इतना क्लियरिटी होना चाहिए. वरना निश्चित रूप से जिसको जितना जरूरी है वहाँ से ले सकता है. और कहने की ये बात है, योग का जो मार्ग है ये सबके लिए संतों ने बनाया है. ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, कर्म का मार्ग, इसके लिए हो सकता है एलिजिबिलिटी चाहिए, कुंडलिनी का मार्ग, लेकिन ये जो योग का मार्ग है ये सबके लिए है. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे ट्रेन में होता है कि जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट होता है उसका नाम दे, जैसे यहाँ से एक ट्रेन जाती है गंगानगर राजस्थान, तो उसका नाम गंगानगर उसको दे दिया गया, तो बीच में कितने स्टेशन से जाती है वो फर्क नहीं पड़ता. जी जी बिल्कुल. तो वैसे ये कि योग तो समाधि तक जाने का ही मार्ग है, लेकिन आप कितना उसको एक्वायर कर पाते हैं, कितना उसमें आगे बढ़ पाते हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि जाता है समाधि तक, लेकिन हमें पता भी नहीं कि ट्रेन कहाँ जाता है. हम बैठ जाते हैं सिर्फ यहाँ तक जाता है कह के. तो हमारी जो योगा टीचर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताएं ताकि ये जा रहा है समाधि तक, लेकिन तुम्हें अगर सिर्फ फिजिकल हेल्थ चाहिए इट्स ओके, ये किया जा सकता है. लेकिन और एक बात है, योगा डिजाइन किया गया समाधि के जाने के लिए. इसको अगर कम दूर तय करने के लिए इस्तेमाल करना है, इसके फॉर्मेट को बदलना पड़ेगा, थोड़ा बदलना पड़ेगा. तो वो बदलने के लिए एक इंटेलिजेंस चाहिए. वो इंटेलिजेंस नॉर्मल योगा टीचर में होता नहीं है. इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि यू नीड टू फॉलो ए मास्टर, तभी जाके तुम्हें चीज़ों को बदल के प्रेजेंट करने की बात समझ में आएगा. और दूसरी बात है, योगा इज ऑल अबाउट टू पुश समवन फ्रॉम हियर टू मोर एम फॉरवर्ड. तो जो पुश करने के लिए जो मोटिवेशन एटीट्यूड होना चाहिए वो सारा क्वालिटी होना चाहिए योगा टीचर में. अगर हम बाद में बात करेंगे कभी, द क्वालिटीज ऑफ योगा टीचर, आप जान के खुशी होगी कि जितने भी प्रोफेशन हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्स वाई जेड, जितने योगा टीचर का प्रोफेशन सबसे नोबल है और सबसे कीमती है. क्यों? योगा कोई एजुकेशन नहीं, योगा एजुकेशन इज द बेस ऑफ ऑल एजुकेशन. तो योगा टीचर आपको एलिजिबल बनता है इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे इंजीनियर बनने के लिए. तो वट एवर यू वॉन्ट टू बी, योगा टीचर कैन बी द राइट टीचर. इसका मतलब है कि आम टीचर जो है ना स्कूल में, उनसे 1000 गुने योगा टीचर का इम्पोर्टेंस है. एग्जैक्टली. मतलब ये एक तरह का बेसिक टीचर हो गया, जो जैसे जो हम लोग चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से सीख सकते थे जी, वो हम लोग इनके माध्यम से सीख सकते हैं. ओके, अभी एक सवाल मेरा वही है कि आफ्टर कोविड जी, देखिएगा दुनिया बहुत हद तक बदली है जी, ठीक है, आप कैसा देखते हैं योगिक प्रैक्टिसेस को? तीन टर्म्स में मैं इस चीज को पूछूंगा, योगिक प्रैक्टिस को लेकर के आप आफ्टर कोविड कैसा देखते हैं, क्या आपके सजेशंस होंगे, एडवाइजेस होगी, योगा बिजनेस को लेकर के आप कैसा देखते हैं जी, और आपका कोई मैसेज जो आज योगा डे पे आप देना चाहते हो अपने सारे व्यूअर्स को. जी जी, तो पहला आ गया कि जो कोविड आया है उसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि गया नहीं अच्छी तरह से. हम ये कहते हैं कि कोविड तो एक वायरस है, और जैसे एनवायरनमेंट के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, और भी हम बहुत सारे कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, एटम बम्स इतने सारे इकट्ठे कर लिए, बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से न्यू वायरस आएंगे लाइक कोविड. तो योगा प्रैक्टिस का महत्व बढ़ना चाहिए और बढ़ा है.
तो हम सब लोग इसको इम्यूनिटी के आधार पर कम से कम इसको इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि लगभग हर घर में हर व्यक्ति को, चाहे स्कूल में हो कॉलेज में हो, एक 2-4 महीने का अच्छे से कोर्स डेवलप करना चाहिए ताकि वो सबको कराया जाए। ये एक विज्ञान है, इसमें कोई ट्रेडिशन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आना नहीं चाहिए। अगर आता भी है तो उसके लिए जो कुछ करना चाहिए धर्मगुरुओं को या पॉलिटिशियन को वो करना चाहिए। इसका अर्थ है कि स्पेशल अटेंशन दिया जाए उसके लिए, और योगा अभी तक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो इसको तो नॉर्मली आसन का तो करना ही चाहिए, प्राणायाम को महत्व देना चाहिए। अभी डॉक्टर भी कहते हैं इनर रिटेंशन से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। हम देखते रहते हैं बीच में जो अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आके बताते थे, तो हमें खुशी होता था कि वो रिसर्च करने लग गए। तो निश्चित रूप से आसन प्राणायाम तो करना ही चाहिए, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत आया है इसके लिए ध्यान का तो अनिवार्य है। अगर ध्यान नहीं है तो कम से कम रिलैक्सेशन, माइंड को रिलैक्स कैसे किया जाए। सिद्धांत जी, इसमें ना दो चीजें मतलब जो पर्सनली मुझे महसूस होती हैं जी, क्या कुछ ऐसा है कि इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए? लोग कठिन होने की वजह से इसको नहीं करते हैं। योगा करना पड़ेगा, मतलब इतनी एक्सरसाइजेस होंगी, ये सब कुछ होगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, यू नीड टू सिट डाउन फॉर अ लॉन्गर टाइम और फिर बैठना पड़ेगा। तो ये इतनी फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जी, ये एकदम अपोजिट होने वाला काम है, जिसमें मतलब अलग तरह का एक मतलब व्यू पॉइंट है लोगों का इसको लेकर के। पता है कि इम्पोर्टेंस है कि हाँ योगा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कुछ आसान करने का तरीका है क्या इसको? इसको हमारी जैसे दूसरी चीज भी जरूरी है, जैसे कि पढ़ना भी कठिन है, इंग्लिश सीखना, मैथ, तो उसको जैसे रूटीन बना दिया गया क्लास, ऐसे लाइफ के साथ कोई सरकार भी क्लास बना ले, स्कूल में क्लास बना दिया जाए, इसको एक पार्ट बनाने की तरफ गति किया जाए। क्योंकि ये कठिन क्यों है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट योर माइंड। ये तो इसलिए अकेले तो हो नहीं सकता, इसलिए संतों ने कहा है कि गुरुओं के साथ करो। इसलिए आप जो कहते हैं कि कोई शॉर्टकट, सच में इसमें कोई नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक हैबिट क्रिएट कर दिया जाए। हैबिट क्रिएट करने के लिए क्या होगा, आप मान लीजिए कि मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा, क्योंकि आप मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं तो थोड़ा झुकें, या फिर मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ तो आपकी बात मैं सुनूंगा शायद, तो आप मुझे कोशिश करें कि मेरे अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाए। तो 21 दिन से लेकर 90 दिन तक कैसे भी करके करा दिया जाए। तो अभी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हायर कॉन्शियसनेस है, हायर स्टेज में है, वो नीचे वालों को कोशिश करके एक हैबिट डेवलप कर दे, सो दैट दे कैन कंटिन्यू विद दैट हैबिट, हैबिट क्रिएट किया जाए। योगा बिजनेस की बात करते हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात है आज के जमाने के लिए। क्या पॉसिबिलिटीज लगती हैं आफ्टर कोविड आपको, या क्या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाए आगे? अभी योगा बिजनेस का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आपको किसी भी तल पर खड़े हो जाओगे तो वहाँ पर लोग चाहते हैं कि सीखना जानना। जैसे कि हैबिट के लिए हम नया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट चलता है अलग अलग प्रोडक्ट के, कोई चीज़ को आप नहीं भी चाहते लेकिन बार बार देखने से खरीदने लग जाएंगे। तो इसको एड के थ्रू अलग अलग, पहले तो टीवी में आता था, आज तो हजार ऑप्शन है, तो निश्चित रूप से लोगों में एक हैबिट और एक इनडायरेक्टली अट्रैक्शन क्रिएट किया जा सकता है। अब आसान हो गया है, क्यों ना, लोग ऑटोमेटिकली थोड़े झुके हुए हैं। तो ये जो समय है, ये राइट समय है इसको बिजनेस को ट्रिगर करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कोई मैसेज एज पर योगा डे और योगा सिटी ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ योगा की तरफ से आप जो दुनिया को? यस, ऋषिकेश के बारे में बताना चाहेंगे कि ऋषिकेश जैसा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों ना, सिर्फ फिजिकल करना कुछ ही नहीं होता, आप किसी जगह पे जाने पे वहाँ के जो अंदर का जो क्या कहते हैं वाइब्रेशन है वो मिलता है। तो ऋषिकेश का वाइब्रेशन है और उसका जो एनवायरनमेंट परिस्थिति है वो निश्चित रूप से काम करता है। तो अगर योगा में किसी भी तरह से शुरू करना चाहते हो, शुरू करें तो इंटरमीडिएट तक जाना चाहते हो, एडवांस जाना चाहते हो और फाइनली समाधि चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट प्लेस, आना ही चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़े करने पर भी ज़्यादा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज योर मैसेज टू वर्ल्ड एंड वी इनवाइट एवरीबॉडी ऑल अराउंड द ग्लोब, जो भी लोग हमारे इस चीज़ को देख रहे हैं, एक
एक अजब वाइब्रेशन है यहाँ पे, देर इज सर्टेन काइंड ऑफ वाइब्रेशंस, और जो भी हमारे जितने भी एंसियंट मास्टर्स रहे हैं उन्होंने यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिसेस की हैं, वो वाइब्रेशन अभी भी यहाँ महसूस की जाती हैं, एंड दैट मेक्स दैट पाथ क्वाइट ईजी, बिकॉज आपको पता है आपके आगे कोई हो करके गया है उस रास्ते पे, तो उनके पदचिन्ह जो हैं, उनके फुटप्रिंट्स जो हैं, अभी तक भी अवेलेबल हैं, अभी तक भी दिखते हैं, अभी तक भी उनको महसूस किया जा सकता है अपनी कर्मा के दौरान, अपने एक्सरसाइजेस के दौरान, अपने एफर्ट्स के दौरान। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, और सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहते हैं, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें समय दिया। आप ये वीडियो बालाजी लाइव टीवी पर देख रहे हैं, इस तरीके से कंटेंट देखने के लिए आप इस बालाजी लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप अलग अलग भागवत कथा के लाइव और अलग अलग शख्सियत के साथ लाइव इंटरव्यू और ट्रैवलिंग ब्लॉग वगैरह भी आपको मिल सकता है। इस चैनल के साथ बने रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।